राणा साहब, पीटीआई वालों का मौकफ है कि मार्च अप्रैल तक वो इंतखाबात देख रहे हैं, और अगर आपकी आपकी पार्टी या पीडीएम की बात करें तो उनका कहना है कि वो मुद्दत पूरी करना चाहते हैं, बल्कि मुद्दत से भी कुछ ज्यादा टाइम लेना चाहते हैं, ऐसी खबरें हैं। लेकिन आपका ये कहना है कि पंजाब हुकूमत भी इनके हाथ से चली जाएगी, तो एक्चुअल में माजरा क्या है? नाज़रीन, इस वक्त टेलीफोनिक लाइन पर हमें ज्वाइन किया है वज़ीर दाखला राणा सनाउल्ला साहब ने, तो उनसे जानते हैं। जी राणा साहब, बताइएगा कि असल माजरा क्या है? इलेक्शन जो है वो बिल्कुल मुस्तासन तो यही है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें, और ये वही असम्बलियाँ हैं जिसके मुतलक जब तक हुकूमत में थे तो खान साहब कहते थे कि एक दिन पहले भी इलेक्शन नहीं कराऊंगा, एक दिन भी हम नहीं छोड़ेंगे और मुद्दत पूरी करेंगे। तो अब जो है वो कहते हैं कि फौरी करवाए जाएंगे, लेकिन फौरी तौर पर हमारी नज़र में जो मसला है वो ये है कि इस आदमी ने जिस तरह से मशीत का इकोनॉमी का बठा बठाया है और जो तबाही की है इसने 3.5-4 साल में, इस वक्त मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो क्राइसिस में है। सबसे पहले सब बैठें, सब जुड़ें और मुल्क को जो है वो इस तबाही से जो है वो बाहर निकालें। ये किसी एक पार्टी की ना जिम्मेदारी है ना काम है, ये सबकी जिम्मेदारी है और सबका काम है कि मुल्क इकॉनमी को बेहतर किया जाए, मौशियत को बेहतर किया जाए। तो आपके ठीक है, इलेक्शन होंगे, ये जीत जाएंगे तो ये गवर्नमेंट बना लेंगे, हम जीत जाएंगे तो हम बना लेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे इस वक्त जो मसला दरपेश है वो इलेक्शन नहीं है।